दिसंबर से इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन तक सफर होगा। मेट्रो के एमडी ने पिछले दिनों 16 मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया था और प्रायोरिटी वाले कॉरिडोर के 5 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। और लगातार हमारे साथ अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं। अंशुल, 5 स्टेशन तैयार हो चुके हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर के, क्या माना जाए कि वाकई दिसंबर में इंदौर को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी? अभी अंतिम चरण का काम कहां तक पहुंच चुका है? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि इंदौर के लिए गणेश जी जो हैं खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि दिसंबर से ये उम्मीद की जा रही है कि इंदौर में मेट्रो जो है वो लोगों को चलती हुई दिखाई दे सकती है। गांधीनगर से जो प्रायोरिटी कॉरिडोर था सुपर कॉरिडोर तक का, उसके जो 5 स्टेशन हैं वे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और उन स्टेशनों पर फिलहाल मेट्रो की टेस्टिंग जो है वो अंतिम चरण की चल रही है। यानी कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर इन 5 स्टेशनों के बीच में मेट्रो ट्रेन जो है वह चलाई जा सकती है। इसे लेकर के खुद मेट्रो के एमडी जो है पिछले कुछ दिनों से इंदौर आए थे और इंदौर में उनके द्वारा लगभग 15 स्टेशनों का दौरा किया गया था, जिसमें से कि 5 स्टेशन जो है सामने निकल करके आए थे, जिस पर कि ये पूरी तरह से तैयार कर दिए गए थे। चार्जिंग इन स्टेशनों पे चार्जिंग की सुविधा दी गई थी, जो मेट्रो ट्रेन के रुकने की सुविधा उसे देखी गई थी और फिलहाल इसके ट्रैक पर भी मेट्रो को जो है लगातार दौड़ाया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग जो है वह की जा रही है। यानी कि अब ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि दिसंबर में प्रायोरिटी कॉरिडोर के इन 5 स्टेशनों पर मेट्रो जो है वो शुरू हो सकती है और उसके बाद सुपर कॉरिडोर से लेकर के विजयनगर तक का जो काम है उसमें तेजी लाई जा सकती है। हालांकि इसमें एक बात और निकल करके यह भी सामने आई है कि इंदौर के जो विजयनगर इलाके में जो मेट्रो स्टेशन बनाया जाना है वह सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन जो है वह प्रस्तावित है। हालांकि उसका भी काम जो है शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी उसका काम जो है शुरू करके उसे खत्म किया जा सकता है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक वाकई इंदौर में मेट्रो चलने लगे, क्योंकि लगातार लंबे अरसे से इसको लेकर के पूरा काम किया जा रहा है। इंदौर वासी भी इसका इंतजार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर से इसकी शुरुआत होगी तो इससे भला और भला क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।